कोई भी फ़ोन करेगा तो हम उससे कहेंगे हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मौत तो सिर्फ नाम की बदनाम है, तकलीफ तो साली जिंदगी देती है। हेलो, अरे जग गई आप? एक मिनट। हाँ क्या लेंगी आप, कॉफी या चाय? क्या हुआ? ओ, आप सोच रही हैं कि हम आपके हैं कौन, है ना भैया? अगले कुछ घंटों के लिए हम साथ साथ हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। मेरा नाम, नाम में क्या रखा है, टैलेंट होना चाहिए। आप इसे आसान काम मत समझिए। सोचिए एक रैंडम घर ढूंढना जिसमें एक लड़की अकेली हो, उसे ऐसे बांध के रखना, उससे ढेर सारी बातें करना, इतना ही नहीं उसे रिकॉर्ड करना, घर जाके एडिट करना और पकड़ा भी ना जाना। ये टैलेंट ही हुआ ना? हाँ रिस्क है, पर थोड़ा सा रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, और वैसे मेरे बहुत टैलेंट है। देखोगी तुमको, देखोगी वरना मेरे पास एक मैजिक है जिसे तुमको हाँ बोलना पड़ेगा। मैजिक? हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये मैजिक हमेशा काम करता है। ओके, तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो देखो। बहुत हो गया नाच गाना, इतनी रात को फोन कौन कर रहा है तुम्हें? तुम्हारा पति बाहर गया है ना? सब सारी लड़कियों का चक्कर होता है, आरती का भी था, लेकिन तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो क्योंकि तुम ज्यादा बातें नहीं करती। कहानी सुनोगी? मैजिक। ओके, ये कहानी एक लड़के की है जो बहुत मेहनती था, हर चीज में नंबर वन, पढ़ाई, दोस्त, डिबेट, हर चीज में नंबर वन। उसके पापा को उस पर बहुत गर्व था, लेकिन एक चीज में वो हमेशा पीछे रहता, फुटबॉल। वो कितनी भी मेहनत करता लेकिन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाता। टीम का कोच भी उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करता लेकिन उसे टीम में नहीं लेता। लेकिन हर प्रैक्टिस में उसके साथ उसके पापा होते, वहाँ दूर बेंच पे, वहाँ दूर बेंच पे बैठते, उसे दिलासा देते कि एक दिन वो ज़रूर अच्छा खेलेगा। तुम बोर तो नहीं हो रही ना? ओके। फिर एक साल बाद फुटबॉल का टूर्नामेंट आने वाला था और इस बार लड़के ने ठान ली कि इस बार कुछ भी हो जाए वो टीम में सेलेक्ट ज़रूर होगा। उसने दिन रात प्रैक्टिस करना शुरू किया, कड़ी धूप में, बारिश में, समर वेकेशंस में। फिर जब टीम सिलेक्शन का वक्त आया तो कोच ने उसे फिर टीम में नहीं लिया। वो लड़का अगले चार दिन तक प्रैक्टिस में नहीं आया। ये देखकर कोच को भी हैरानी हुई कि वो लड़का
जिसने एक साल में एक भी प्रैक्टिस मिस नहीं की, वो चार दिन तक नहीं आया, फिर अचानक फाइनल मैच के एक घंटा पहले वो लड़का कोच के पास गया और बोला, सर मुझे ये मैच खेलना है, सर कुछ भी हो जाए मुझे ये मैच खेलना है। तो कोच ने उससे कहा कि टीम बढ़ चुकी है, सब तैयारियां हो चुकी हैं, लास्ट मिनट पे वो कोई चेंज नहीं करेगा। लड़का गिड़गिड़ाया, रोया, सर मुझे प्लीज खेलने दीजिए, सर मुझे प्लीज खेलने दीजिए, सर प्लीज मुझे खेलने दीजिए प्लीज। कोच को शायद उस पर दया आ गई और पहली बार उसे टीम में ले लिया। और उस दिन उस लड़के पे ना जाने कैसा जुनून सवार था, उसने हाफ टाइम तक 3 गोल कर दिए। गोल, गोल, गोल। मैच के बाद जब कोच ने उससे पूछा तो लड़का बोला, आज मुझे मेरे पापा देख सकते थे। तो कोच ने वहां बेंच की तरफ देखा लेकिन उसके पापा वहां नहीं बैठे थे। तो लड़का बोला, सर मैंने आपको एक बात कभी नहीं बताई कि मेरे पापा देख नहीं सकते थे और 4 दिन पहले वो चल बसे। आज पहली बार मेरे पापा मुझे ऊपर से खेलते हुए देख रहे थे। पापा मैं अच्छा खेला ना, पापा मैं अच्छा खेला ना, पापा मैं अच्छा खेला ना, पापा। ये तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है बार बार, कौन फोन कर रहा है तुम्हें? अब हमें कोई भी फोन करेगा तो हम उससे कहेंगे हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, है ना? यू आर मच चमक छल्लो, ओ ओ ओ ओ, यू आर मच चमक। आ गया। हेलो, हेलो शेखर, हेलो शेखर, अरे यार तेरे को कब से फोन कर रहा हूँ यार, तेरा सेल फोन। उससे कहो शेखर बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। हेलो शेखर, हेलो शेखर बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। गुड, बहुत बात करती हो तुम, बहुत बात करती हो तुम, बहुत बात करती हो, अभी क्या करें? आइडिया, सीधा सीधा सीधा। डर गई ना? नहीं ये नहीं, मैं सांप सीढ़ी लाया हूँ, सांप सीढ़ी खेलेंगे। मैं और आरती हमेशा सांप सीढ़ी खेलते थे और मैं हमेशा जीतता था, लेकिन आरती ना चीटिंग करती थी। अभी नो चीटिंग, अभी हम अच्छी तरह खेलेंगे। सांप सीढ़ी ये मेरी बचपन से फेवरेट गेम थी। कौन सा कलर लोगी? रेड। ओके, मेरा येलो। पहले मैं, तुम्हारी बारी। एक, सांप ने काटा, सांप ने काटा, तुम वापस 6 पे आ गई, मेरी बारी। एक और दो, मैं जीत गया, मैं जीत गया। देखा आरती, तुम चीटिंग करती थी, मैं जीत गया। तुम हार गई हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा खेलेंगे। हम बुलाया पुलिस को? बोलो पुलिस यहां कैसे आई? बोलो, मैं सुन नहीं सकती, तुमने मुझसे फोन पे बात करवाई। ओ, तुम्हारा पति शेखर तो पहले से जानता था कि तुम
और वो पुलिस को लेके। अब हमें कोई भी फोन करेगा, ये तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है बार बार? हेलो, हेलो शेखर। तो हम उससे कहेंगे, शेखर बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। गेम ओवर, गेम ओवर, फिनिश। मौत तो सिर्फ नाम की बदनाम है, तकलीफ तो साली जिंदगी देती है।